चेस्ट कैसे एक्सपेंड हो, चेस्ट कैसे बढ़े। जैन साथियों, आप लोग जब अग्निवीर का फिजिकल देने जाते हैं तो वहाँ चेस्ट में सब स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि मेरा कहाँ से चेस्ट लेगा, कैसे मैं फुलाऊंगा ताकि मैं फैल ना हो। तो उसी की रिकॉर्डिंग मैं अभी कुछ बताने वाला हूँ। और आप लोग का अगर चेस्ट नहीं फूल रहा है तो आप लोग डीप्स मारें, मैं अभी बताऊंगा। और वहाँ पे कितना रहता है, 77 से 82 होना चाहिए, मतलब 5 फूलना चाहिए। वहाँ स्टूडेंट करता क्या है कि मतलब ऐसे ऐसे कभी को ऐसे को ऐसे ऐसे नहीं करना है। वहाँ पे वहाँ क्या होता है कि फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर जितना नॉर्मल है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि फुलाएंगे आप लोग कैसे। अगर तो सबसे पहले आप सबको जानते हैं कि डिप्स जो पुशअप होता है नीचे वाला, वो लगाने से ये इसकी जो होती है ना, ये साइड की, ये फैलता है। और जब आप पुशअप लगाएंगे तो फेफड़ा के अंदर अधिक मतलब सांस जाएगा, यानी ऑक्सीजन जाएगा, तो जब जाएगा तो स्वाभाविक एक्सपेंड होगा, तो उससे आपका आदत बनेगा। तो मैं लगाता हूँ पुशअप। चमड़ी पतली थी इसीलिए लोगों ने बोला था अरे तू क्या भर्ती होगा। मैं बोला बेटा हम साथियों, ये जो पुशअप था ये सीना के बल पे था। कोई पुशअप इस तरह का होता है, मैं बता रहा हूँ किस तरह का, ऐसे। तो इससे ज्यादा बेटर रहेगा आपका ये वाला, ये वाला में चेस्ट पे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे गया ऐसे आया, और जो ऐसे आया ऐसे करके जाता है उसमें थोड़ा सा कम असर पड़ेगा सीने पे। और ये कोई अग्निवीर का फिजिकल का रूल नियम नहीं है कि ये होना चाहिए, ये जो करेगा वही मतलब क्वालिफाई, ये कोई टेस्ट ये कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चेस्ट कैसे एक्सपेंड हो, चेस्ट कैसे बढ़े, और जिसका फूल नहीं रहा तो कैसे फुलाए, क्योंकि फूलना बहुत नेसेसरी है। किसी स्टूडेंट ऐसे करता है ऐसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब को लेकर मैं जब ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ तो मेरे को हर नजर से देखने को मिलता है। लोग कोई वीडियो देखता है तो वीडियो में उतना आपको पता नहीं चलेगा जब जितना आंख से देखेंगे। तो फिर आज यही था, फिर मिलते हैं और दिन। जय हिंद।